ये गया जी भारत बेंस का ट्रक। सही है। अब एक चीज दिखाने के लिए मैं रुका हूँ यार, कनेक्टिविटी यहाँ पे देखो कितनी लाजवाब है। ये जो एग्जिट है ना, ये मुझे तो नहीं याद है क्योंकि मैंने ना उस टाइम पे एग्जिट देखा नहीं था। वहाँ पे अपना जो है सामने, जो हम जिस रोड पे खड़े हैं वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रोड है। सामने अगर आप देख रहे हो तो ये वाला जो रोड है वो एक कनेक्टिंग रोड है। वहाँ से एक कनेक्टिंग रोड आ रहा है, जूम करके आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो वहाँ पे एक कनेक्टिंग रोड है और वो सीधा आके अपना ये नीचे भी टोल है। और जूम करके दिखा दूँ आपको सामने वाला रोड, जूम करके दिखा देते हैं। ये देखो जी, ये पूरा का पूरा रोड इतना बढ़िया तरीके से भाई, गजब की सरकार ने कनेक्टिविटी दे रखी है। थोड़ा सा जूम टोल पे कर लेते हैं कि टोल पे भाई कौन सा ट्रक या गाड़ी जा रही है। वो देखो ये टोल आपका सामने है। अब मैं जूम आउट करता हूँ तो वो था। चलो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा है, अब मुझे समझ नहीं आता। वैसे यहाँ पे स्टॉपेज अलाउड नहीं है, तो ये ट्रक वाले सामने क्या कर रहे हैं भाई? हाँ बोलो। ये देखो जी आराम से रुक के मस्त हो रखे हैं। और यहाँ पे हर 5-5 किलोमीटर तो नहीं कह सकता मैं, 500 या 700 मीटर पे एक कैमरा है। और कैमरा मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको वहाँ पे पिलर दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। ये देखो ये रहा कैमरा, जूम कर लेते हैं। ये देखो जी ये रहा कैमरा। तो हर 500 मीटर 600 मीटर ऐसे कुछ पे ना यहाँ पे कैमरेज लगे हुए हैं। तो भैया सावधान, अपनी तो प्राइवेट गाड़ी है, बेकार में क्यों रिस्क लेना। इन ट्रकों का कुछ नहीं जाता है, इनका तो अपना मालिक भरता रहेगा चलान। और इनके ना जनरली जो चलान होते हैं ना, ये लोग भरते भी नहीं है, ये ऐसे ही होते हैं। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब हमने एक स्टॉपेज तो ले लिया है, तो चलो आओ कुछ चाय पानी पी लेते हैं। ज़्यादा भूख तो नहीं लग रही है, फिर भी जो है ना एक पैटीज और एक कप चाय तो बनती है यार। पैर के यार घुटने में बड़ा दर्द हो रहा, पता नहीं क्या बात है। मैं ना थोड़ी बहुत ना एक्सरसाइज वगैरह भी ना करनी चालू करूँगा, पता नहीं यार। जब से एक फंक्शन पर गए थे बस तब से ना टूट ही गया एक्सरसाइज वगैरह का रूटीन ना। भैया एक चाय कर देना और एक पैटीज कर दो, एक चाय और एक पैटीज। पैटीज़ मैंने अभी ले ली है, चाय भैया को बोला है यार 2-4 मिनट बाद में करना, पहले पैटीज़ खाना पीना हो जाए। और उधर खड़ी है अपनी लाजवाब फॉर्च्यूनर, तो चलो खाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब चाय भी ले ली है भाई। अब चाय पीने के बाद में फिर वहाँ पे सामने अगर आपको देखा जाए ना तो वॉशरूम है, वॉशरूम करके फिर चले। चलो जी अपना खाना पीना हो चुका है। यहाँ पे जो चाय थी ना, चाय आज के दिन पे बहुत मज़ेदार नहीं थी और आलू पैटीज़ का भी यही हाल था। चलो कोई बात नहीं, बट इस टाइम पे ना मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे रश देखो कितना ज़्यादा कम है। या तो मेरे ख्याल से हो सकता है शायद मैं ना पहले वाले रेस्ट एंड सर्विस एरिया में मैं एंटर कर गया हूँ। पहला वाला ना ये छोटा है और इसकी भाई कसम से मुझे, मतलब ये वाला वो वाला रेस्ट एंड सर्विस एरिया है जहाँ पे आप अलवर के लिए एग्जिट करते हो ना, ये वो वाला है। तो इसका मतलब ये है भाई इसकी बेकार रहती है, यहाँ पे बिल्कुल मत रुको। इसके बाद में अगर आपको लगातार स्ट्रेट तो जाना ही है, थोड़ी दूरी के बाद में आपके पास में आएगा, महवा से पहले ही आएगा, यानी कि समझ लो इसके बाद में। अरे बंद कर भाई, तो उसी में आप एग्जिट लेना, उसी में मतलब आप खाने पीने के लिए रुकना, इसमें मत रुकना, ये वाला बेकार है बिल्कुल। और चलो अब आगे चलते हैं फटाफट। बाकी ये जो पिलर्स लगा रखे हैं ना स्टील के, इनसे थोड़ा सा सावधान, गाड़ी अगर आप जल्दबाजी में निकालोगे ना और आपने स्ट्रेट मुंह किचन की तरफ, यानी कि जहाँ पे आपने खाना पीना खाया है उस तरफ को होके खड़ी हुई है गाड़ी, और उसके बाद में अगर आप बैक करोगे और बैक करके एकदम से आप टायर अगर आपने घुमा दिया, तो भैया समझ लो फ्रंट का जो फेंडर साइड है ना
वो तो हो गई खत्म। एक बार मेरे साथ में ना गुजरात में ऐसे ही हो गया था, जब मैं ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए गया था अपनी फैमिली के साथ में, तो वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था कि घर अच्छा नहीं लगता यार खुद की गाड़ी का डैमेज होता हुआ दिखाते हुए। तो वहाँ पे जो है ना बस एक पिलर था साथ में, गाड़ी मस्त चली थी, हर जगह सही रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस जैसे ही मैंने गाड़ी को टर्न करा ना, फट दे रहे थे फेंडर का पूरा उस लोहे के पिलर में गड़ गया था। तो ऐसे ही काफ़ी नुकसान हो गया था। नुकसान क्या, खैर वो तो इंश्योरेंस में मिल गया था, 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया था, क्योंकि उसने ये कहा था कि हम एक काम करते हैं आपकी जो हेडलाइट है ना हेडलाइट भी चेंज कर देते हैं। तो उसने ना हेडलाइट भी चेंज कर दी थी, 60,000 रुपए का नहीं तो वैसे खर्चा था, और 60,000 की इसकी हेडलाइट थी, वो दोनों इंश्योरेंस में कवर हो गए थे। मुझे तो 1,000 रुपए या 1,500-2,000 ऐसे कुछ पे करना पड़ा था। चलो अब चलते हैं आगे, और घड़ी में मैं टाइम बताऊं तो 139 हो गया, मतलब वही 140 हो गया। उतर जाएंगे भाई 2 बजे तक, अगर हम यहाँ से एक्सप्रेस वे से नीचे उतर गए ना मावा के, तो ये समझ लो हम 3 बजे मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में पहुँच जाएंगे। अब बशर्ते डिपेंड करता भाई, अगर हम ड्रोन के शॉट्स लेते हैं तो कितना टाइम लगता है, क्योंकि एक ड्रोन का शॉट लेने में ना तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, और पूरी बॉडी जो है ना एग्जॉस्ट भी हो जाती है। इस टाइम मेरे धूप बहुत ज़्यादा तेज हो रखी है। साइड में ये जो बिगनवेलिया के पौधे लगा रखे हैं ना, बिगनवेलिया भाई दोस्तों अगर आपको नहीं पता हो तो वो बेल टाइप का पौधा होता है, बट अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से अब उसको कटिंग वटिंग करके रखो तो इस तरीके से भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, पेड़ की तरह भी यूज़ कर सकते हो। उसमें बड़े प्यारे पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, खुशबू तो नहीं होती है कोई नहीं, मगर ऐसी जगहों पर बहुत अच्छे लगते हैं, और एक तरीके से जीरो मेंटेनेंस पौधा होता है, कहीं भी लगा दो चली जाएगा, ये बात है। मारे से करंट मैंने दिल में लगा ली तेरी फोटो, हाय रे मेरे। ना सोना तेनो रब ने बनाया, कितना सोना अलवर के टोल के बाद ना भाई, एक जो रेस्ट एंड सर्विस एरिया में जिसमें हम रुके थे वहाँ नहीं रुकना चाहिए था, अपने को रुकना चाहिए था, ये नहीं 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 भाई, नहीं सही कह रहे हो, अलवर वाले रेस्ट एंड सर्विस एरिया पे ही आपको रुकना था। बट पता नहीं यार आज उसका, क्योंकि इस वाले पे मैं कभी नहीं रुका हूँ, ये देखो बांसुरी वाले पे, इस तरफ वाले में मैं कभी नहीं रुका, बट इससे पहले वाले भी मैं हमेशा ही रुका हूँ। मगर आज तो यार ना तो उसकी चाय में टेस्ट था, और ना उसके जो पैटीज थी आलू पैटीज उस पर टेस्ट था। अगर मेरे भाई रिकमेंडेशन में बोलूँ ना तो आप ना पनीर पैटीज ले लिया करो, वो ज़्यादा आपको टेस्टी मिलेगी। मैक्सिमम 80% क्वांटिटी तो उसमें आलू की ही रहती है, बट उसका और जो थोड़ा पनीर वगैरह डलता है ना उसको सॉफ्ट होके बढ़िया मस्त लगेगी आपको। बाकी चाय तो डिपेंड करता है, पता नहीं आज क्यों टेस्टी नहीं थी। चलो कोई नहीं, हो जाता भाई कभी कभार, हो जाता है घर में भी खाना जब बनता है कभी कभार टेस्टी नहीं भी बनता, कभी कभार मैक्सिमम टाइम तो टेस्टी बनता है, तो वही बात होती है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ से ना अगर मैं आपको डिस्टेंस बताऊँ तो डिस्टेंस थोड़ा सा ही रह रहा है, कौन सा टोल आ रहा है आपका, महावा 2 किलोमीटर पे कट आ रहा है। तो चलो अब यहाँ से कट ले लेते हैं आगे से, तो एग्जिट होने वाला है 153। अब देखते हैं उसके बाद में क्या आपको ड्रोन शॉट वगैरह दिखा पाते हैं या नहीं दिखा पाते। हेलो जी, अब हम नेशनल एक्सप्रेस वे 4 को छोड़ के अपना स्टेट हाईवे पे एंटर कर चुके हैं। अभी स्टेट हाईवे है क्या है भाई, देखो मैंने मैप में देखा नहीं है इसका नाम प्रॉपरली क्या है, गांव से होते हुए रास्ता निकाल रखा है ये, बट हाँ बढ़िया रास्ता निकाल रखा है, आपको दिक्कत नहीं होगी, सिंगल लेन है, दोनों तरफ से ट्रैफिक मेजर चलता रहता है। ध्यान रखना है आपने कि गाड़ी इधर उधर ना जाए, क्योंकि गांव बहुत बीच में आते रहते हैं, तो बच्चों बच्चों का भी ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। तो चलो अब इस रास्ते को फटाफट पार करते हैं, बीच में एक फाटक आएगा, फाटक को पार करते हैं, और उसके बाद में आगरा बीकानेर हाईवे पे चढ़ते हैं, वो भी बहुत लाजवाब भाई साहब, रोड के मामलों में तो गजब हो रखी है इंडिया, हर जगह हर चीज में गजब हो रखी है। तो चलो अब इस रास्ते को फटाफट पार करते हैं, और लाजवाब कारों का भी मजा लेते हुए सफर को एंजॉय करते हैं। अच्छी बात है कि फाटक इस टाइम पे खुला हुआ है, ट्रेन का आने का टाइम नहीं हो रहा, यही उम्मीद करते हैं कि वापस आने के टाइम पे भी ना भैया फाटक बंद ना हो, अननेसेसरी का
डीजल भी फूकेगा, उतनी देर तक गाड़ी चालू रखनी पड़ेगी क्योंकि ये टाइम है भैया गर्मियों का। सर्दियों का टाइम होता है तो गाड़ी बंद करके अपना आराम से हम बैठ भी जाते हैं, बट गर्मियों का टाइम है तो भाई थोड़ी दिक्कत होती है। अरे बाप रे, ये पता नहीं मुझे समझ नहीं आता है कि जितने भी फाटक के एंट्री और एग्जिट पे जो रोड होते हैं ना, वो इतने गंदे टूटे फूटे क्यों होते हैं। अगर टूटे फूटे भी है तो भाई रिपेयर तो कर दो, पूरी गाड़ी झूल जाती है उसमें, पूरी गाड़ी। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, रास्ता अपना कंटिन्यू करते हैं। ढाई बजे ही हम आगरा बीकानेर हाईवे पे एंटर कर चुके हैं। मस्त फोर लेन हाईवे बना हुआ भाई साहब, सर्राटे से गाड़ी जाती है। यहाँ पे देखो, अभी मेरे को ध्यान तो नहीं है कि यहाँ पे स्पीड लिमिट कितनी है, बट यहाँ पे ना कोई कैमरे आपको नहीं मिलेंगे। थोड़ी सी दूरी पे जाने, मतलब 10 मिनट का रास्ता ये है, 10 मिनट के बाद में एक लेफ्ट टर्न आएगा, लेफ्ट टर्न को अंदर गाँव की तरफ रास्ता जाता है, जो कि क्योंकि मैं ना मेहंदीपुर बालाजी ना बैक साइड से जाता हूँ, फ्रंट की साइड में ना हमेशा बैरियर लगे होते हैं तो गाड़ी मंदिर के पास तक नहीं जा पाती है। और अगर वही चीज़ आप घूम के जाओगे ना बैक साइड से, तो सीधा गाड़ी पार्किंग तक जाएगी। मुश्किल से 4 से 5 मिनट का वॉकिंग का डिस्टेंस होता है, वो तो हो जाता है आराम से। और अगर आप फ्रंट की साइड से जाओगे तो जो जीपीएस मैप भी है ना, वो भी मेरे ख्याल से फ्रंट की साइड से ही दिखाता है। नहीं, अगर उस तरफ से आओगे ना, यानी कि अलवर की साइड से आओगे तो फ्रंट की साइड से दिखाएगा। यहाँ से जाओगे जो, अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से, तो आपको बैक साइड से ही एंट्री दिखाएगा। तो ठीक है, क्योंकि अपना बैक साइड से सूट करता है भाई, अपना प्रसाद भी वहां तक पहुंच जाता है। प्रसाद जाओ, अपना चढ़ाओ, डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अपना गाड़ी तक पहुंचो, वापसी लो और अपना चल पड़ो। चलो अब बस पहुंचने वाले हैं, तो प्रभु का नाम लेते हुए चलो आगे चलते चले जाते हैं भाई। फलक देखो, जमीन देखो, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या स्प्रे कर रहा है पता नहीं, गीला गीला सा कर रहा है भाई, पानी वानी डाल रहा है। अच्छा, रोड वगैरह डल रहा है, अभी तो डलिया था यार, ये बढ़िया शानदार रोड। और ये इस पे ना चिपक जाए, इसकी जो छोटी मोटी भी जो भी पत्थर से हैं रोडी टाइप। आहा, जल्दी हटा ले भाई,